हाय स्टूडेंट, दिस इज गोविंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट क्या होता है, सुपर टेट की एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और इसका एप्लीकेशन फीस क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुपर टेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपर टेट का फुल फॉर्म होता है सुपर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हम जान लेते हैं सुपर टेट क्या होता है। यह एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है जिससे क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। सुपर टेट मेनली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए करवाया जाता है। सुपर टेट का एग्जाम यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब तो आप जान गए होंगे कि सुपर टेट का एग्जाम एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट टीचर के लिए आप देते हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप सी टेट और यूपी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। सुपर टेट का एग्ज़ाम कब होता है? जब टीचर्स की वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में सुपर टेट का एग्ज़ाम करवाया जाता है जिससे आपका मेरिट बनता है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। अब हम जान लेते हैं सुपर टेट की एलिजिबिलिटी क्या है। सुपर टेट की अगर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई किए हों। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप 21 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के होते हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है तो 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर का हो जाएगा। अगर इसके टाइम की बात की जाए तो आपको इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये हैं और एससी एसटी को 400 रुपये पे करना पड़ेगा। सुपर टेट के अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपका मेरिट और एंट्रेंस दोनों को ऐड करके फिर आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका हाई स्कूल से 10%, इंटर से 10%, ग्रेजुएशन से 10%, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से 10%, मतलब कि बीएलएड, डीएलएड या फिर बीएड से 10% लिया जाता है और सुपर टेट से 60% होता है। मतलब कि जो आपका मेरिट बनता है वो 10th, 12th, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को मिला के 40% और सुपर टेट का 60% होता है। सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप टीचर बनेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 रुपये पर मंथ रहेगी। अब हम जान लेते हैं सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से आपका कोई भी लैंग्वेज रहेगा, जिसमें से आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा, साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर से आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा और जनरल नॉलेज और करंट ऑक्यूपेशन से 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, लॉजिकल नॉलेज से 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आएगा और लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, जिसमें से आपका टोटल मार्क होता है 150 नंबर। अगर आप यूपी टेट और सी टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी, जॉब और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।